न्यू बेबी की तैयारी शुरू हो गई है। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह फ्रेश होने के बाद हल्दी वाला पानी पीती हूं सबसे पहला, और मेरे पीठ में एक नस चढ़ गई है, तो मैंने अभी जस्ट अमोद को बोला कि वो थोड़ा सा वहां पे दवा दे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो बैठ के अभी ऑफिस का काम शुरू करना होगा तो मुश्किल हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, न्यू बेबी की तैयारी शुरू हो गई है। अगर गौर से देखेंगे आप लोग ये वीडियो तो शायद आप लोगों को हिंट भी मिल जाए, बट हाँ जो मेरे तरफ से न्यूज मिलेगी आप लोगों को वो अगले कुछ व्लॉग्स में मिलेगी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपना नस ठीक कराते हैं। सो अमोद मेरे पीठ में मूव लगा रहा है, जब तक अमायरा मेरे साथ मस्ती कर रही है, और मेरे बाल तो अमायरा को बहुत ही प्यारे हैं, तो बालों के साथ खेलना और पूरी मस्ती चालू है सुबह सुबह। और 8:30 होने वाला है अब, तो मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग के लिए। सबसे पहले मेरी मीटिंग होती है और उसके बाद काम शुरू हो गया मेरा ऑफिस का। इज इट यम्मी? लंच ब्रेक है गाइज, और मैं अमायरा को पहले खिलाती हूँ, फिर हम लोग लंच करते हैं साथ में। तो अभी जस्ट खाना पीना हुआ है, अमोद और अमायरा का जस्ट फिनिश हुआ, तो वो अमायरा को लेकर उधर बैठा है। और मेरा पैकेज आ गया है जो कि होम डिलीवरी करवाया है इंडियन ग्रोसरीज मैंने। ये देखिए घर का हाल, अमायरा पूरे अपने खिलौने बिखरा के रखती है, और साथ में अमोद को भी यहाँ पे बिखरा दिया है। ये बड़ा सा खिलौना इधर बिखरा पड़ा है। हाँ ये देखिए इतना बड़ा सा खिलौना बिखरा पड़ा है। और आरू बाय बाय कर रही है। किसको बाय बाय कर रही हो? सबको, कोई तो है नहीं। ये सामान ले आना तो एक बार, बहुत ज्यादा सामान है तो हेवी तो रहेगा। ऑफिस का काम होता है जैसे मैं दिखा रही हूँ, सुबह से शाम तक कितना बिजी रूटीन होता है। क्विकली से मैंने घर बैठे इंडियन ग्रोसरीज ऑर्डर किया था। लेट मी ओपन द बॉक्स। या वी विल डू द अनबॉक्सिंग। अमेरिका में बहुत ही आसान हो जाती है जिंदगी जब घर बैठे इंडियन ग्रोसरीज स्पेशली ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी भी बहुत फास्ट रहता है। सबसे पहले तो हो गया मखाना, मैं पंजीरी खाती हूँ तो उसके लिए मखाना ऑर्डर किया मैंने। फिर हम देसी इंडियंस तो चाय के बगैर जी नहीं सकते, तो चाय का एक पैकेट आया है, चाय पत्ती आई है, देसी घी। फिर है मेरे पास रागी जो कि अमायरा का फेवरेट है, अमायरा को रागी बहुत पसंद है, तो रागी अमायरा के लिए मंगाया मैंने। यस बेटू, ग्रीन मूंग है गाइस, जिसको मैं सब्जी की तरह बनाती हूँ, बहुत ही सही है। आप सब मेरा कूपन कोड अमिता10 यूज कर सकते हैं, आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में मैंने मंगाया है ये ब्राउन राइस, मैं तो क्विकली के डिलीवरी से बहुत खुश हूँ, आप सब भी चाहे तो ट्राई कर लेना। यस बेटू, से बाय बाय। अब ये सारे सामान के साथ हमारा खेलेगी। नीचे ये जो बेड है आप देखो, पूरा चढ़ गई खुद से, पहली बार आज इस ये खुद से चढ़ गई है प्रॉपर आराम से। यार बिग गर्ल नाउ, हाउ डिड यू लर्न दिस? बोलो। Bless you. अब इसे उतरना भी है। अरे बेटू उतर भी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सपोर्ट करती हूँ जानबूझ के, ताकि इसके हाथ पे प्रेशर ना आए। सो गाइज, ऑफिस का काम खत्म हो गया है, शाम के बज रहे हैं 5:30, और अब हम लोगों को जाना है पार्क में, अमायरा को पार्क में लेके जाऊंगी। हम लोगों के घर के बहुत ही पास 5 मिनट के वॉक पे बहुत ही खूबसूरत पार्क है गाइज, आप देख सकते हो। बच्चों के लिए काफी सारी झूले लगे हुए हैं और चढ़ने वगैरह का भी है, तो वो सारी एक्टिविटीज मैं इस समर में अमायरा के साथ कराऊंगी। अभी तो उसे मैं ये स्विंग पे झुला रही हूँ। पहली बार जब अमायरा स्विंग पे बैठी थी तो उसे मजा नहीं आया था, पर इस बार अमायरा काफी एंजॉय की। पार्क में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उन्हें देख के भी काफी खुश होती है। पार्क के बाद हम लोग जाएंगे टेस्ट ड्राइव लेने। लोग आ गए होंडा के डीलरशिप पे, और अमायरा को ऐसे में बीच में छोड़ दिया है खेलने के लिए। इसे भी नई जगह मजा आता है खेलने में, वॉक करने में, और हल्ला कर रही है। और बस अभी टेस्ट ड्राइव लिया है, वीडियो मैंने नहीं बनाया, CRV का टॉप मॉडल। एक और डीलरशिप के पास जाना है, फिर डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा फाइनल करें। वो जब तक सेल्स पर्सन के साथ बात कर रहा है, मैं अमायरा को इधर एक्टिविटी करा रही हूँ। हम लोग निकल गए हैं डिनर के लिए। ये रही अमायरा, ये रही मम्मा, और उधर डैडा टेडी बियर बैठू। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं चीज केक फैक्ट्री, आप देख सकते हो अमोद और अमायरा। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैंने बोला जल्दी से चले जाओ।
बड़ा बुरा कटा। हमारा रिजर्वेशन था और हमें पहुंचने में 15 मिनट लेट हो गया, तो इन्होंने हमारा रिजर्वेशन पुश कर दिया आधे घंटे से। तो अब हमें आधा घंटा यहाँ पे बैठना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितने सारे लोग अभी वेटिंग में हैं। तो मायरा के साथ हम लोग अभी बैठेंगे। यही है कि इसके सोने का टाइम ना हो जाए, मतलब 8:30 के बाद ये थोड़ा सोने का, 8:30-9 नहीं सोती है, 8:30-9 तक सोती है। देखते हैं जल्दी मिल जाए, बस यही होप है। मायरा बाहर आके बहुत खुश होती है गाइस, देखिए कितनी खुश है। यहाँ सारे लोग जब दिखते हैं मायरा को तो मायरा बहुत खुश होती है। फाइनली हमें टेबल मिल गया है, मायरा का इधर हाई चेयर भी मिल गया, ये देखिए आराम से बैठी हुई है। बड़ा रेस्टोरेंट है ये, और ये वन ऑफ मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। फेवरेट ही है। हाँ क्यों फेवरेट है बताओ? क्योंकि वेजिटेरियन का कोई ऑप्शन ज्यादा तुम्हारे पास है नहीं बाहर। फिर इसको है कि मम्मा कैच कर दे, की बदमाशी, इसकी शक्ल देखी बदमाश वाली, यहाँ पे सारे गिरा रही है और मेरे को कैच करना है या उठाना है इसे। फिर से मैं दूंगी, देखना और फिर से मैं ऐसे रखूंगी, देखिए गिरा दिया। बीवी को डांटने वाला ये इंसान को गौर से देखें दोस्तों। रील बनाना चालू की है तो पिछले 1 घंटा तक बोल ही रही है लगातार, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 1 घंटा हो गया आए हुए, कैमरा ऑन होते ये जो सामने इंसान दिख रही है, झूठ पे झूठ। और ये जो बच्चू दिख रही है आप लोगों को, ये बस बदमाशी में बदमाशी। सारी चीजें टेबल पे से, जितनी सारे स्पून सभी हमने, बाकी सारी चीजें नहीं दी है, जितनी सारी चीजें थी वो उठा के इसे फेंकना है नीचे सब कुछ। मायरा को ब्राउन ब्रेड दे दिया है ताकि इसे खेलती रहे खाती रहे। तो ये वेजी बर्गर हम लोग शेयर करेंगे, और ये अमोद का स्पेशल चिकन कैसे दिया। गाइस रात के बज रहे हैं, पीछे आप देख सकते हो 11। घर आते आते लेट हो गया था, मायरा को सुला दिया है मम्मी, तो सोचा आप लोगों से कुछ गुफ्तगु कर लिया जाए। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मेरा वीक डेज निकलता है। सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है, 8:30 से मेरी मीटिंग शुरू हो जाती है। सुबह उठना पड़ता है और उससे पहले जो बेसिक काम है वो निपटाने होते हैं। लंच ब्रेक 45 मिनट्स to 1 आवर ले लेती हूँ, डिपेंड करता है कितना काम है, और मायरा को खिलाना विलाना वैसे ही हो जाता है। और शाम को कुछ 5:30 के अराउंड चेकआउट कर देती हूँ, अगेन डिपेंड करता है कितना काम है। ज़्यादा काम रहता है तो कई बार रात को भी बैठ के मैं काम करती हूँ। ऑफिस का काम करते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाई, क्या ही वीडियो बनाऊंगी उस वक्त अगर मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ शेड्यूल रहता है मेरा पूरे दिन का, और थोड़ा अलग भी रहता है। जैसे आज शाम को डीलरशिप के पास जाना हो गया या डिनर के लिए बाहर चले गए। यूजुअली हम लोग डिनर विनर बाहर नहीं करते। 1-2 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव वॉल ली है, तो देखते हैं, अभी बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी गाइज। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।